नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में रविवार को कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित हुई बैठक के शुभारंभ में कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं जिले में कोरोना के संक्रमण के लिए जो अभी सावधानियां हैं उसका पालन करने के बारे में भी चर्चा की गई। सभी के लिए मास्क अनिवार्य है, 2 गज की दूरी के साथ कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, सभी प्रकार के समारोह स्थगित रहेंगे। तो वहीं सांसद गुमान सिंह डामोर द्वारा अपने उद्बोधन में ये भी कहा गया किल कोरोना अभियान का कार्य जिले में अच्छा किया गया है, इससे जिले में अच्छे परिणाम भी आए हैं और घर घर में सर्वे होने के कारण कोरोना वायरस को नियंत्रण भी किया जा सका है। खरीफ की फसल की तैयारी का समय है, अतः किसानों को अति आवश्यक सुविधाएं दी जाना चाहिए, सराफा दुकानों को भी खोला जाना चाहिए। तो वहीं झाबा कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण करने में देश में प्रथम आएगा, यह मैं मानता हूं। कलेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बैठक में समस्त अधिकारी गण सहित जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो जो आयोजक रहेंगे ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। जब आगे निकल जाएगा ये एक्सपायरी आइटम मिलेगा तो उसके अलावा आप कार्रवाई भी करा सकते हैं। जो भी लोग व्यवहार फेस मास्क मास्क पहनना आवश्यक अनिवार्य उपाय है। फेस मास्क पहनने में जिन पालन किया जा रहा सके अपना मास्क पहनने के पहले और साथ ही इसे उतारने के पहले और बाद में किसी भी समय से छूने पर अपने हाथों को मास्क साफ करें। सुनिश्चित करें कि आपकी नाक मुंह और छुट्टी को पूरी तरह से कवर करें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है। जनरली अधिकतर लोग देखेंगे मुंह के नीचे लगाए रहते हैं। जब आप मास्क को उतारते हैं तो उसे साफ प्लास्टिक दवाई के प्रयोग करें, कपड़े का मास्क है तो उसे धोएं और सैनिटाइज करें रिकाव के द्वारा, और मेडिकल मास्क को पूरे दान में ही फेंकें, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, कहने के लिए अपने लिए बाद में संक्रमण का हो सकता है। सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। नो मास्क नो मूवमेंट का सख्ती से पालन करें। थोड़ी भी दूरी एक साहब हमको बस ये बगल में दुकान थी वहाँ गए थे मास्क भूल गए, ये सभी के लिए है। CMO AGM और CEO भी देखे आप सभी को 144 के ऑर्डर में अनुमति दी गई है चालान वगैरह करने की, तो ये बिल्कुल ढिलाई नहीं रखे क्योंकि हम तभी कारगर सिद्ध हो सकते हैं कि जब सभी मास्क लगाएं और हाथ मास्क धुलना शुरू करें, क्योंकि अभी भी ये जरूरी नहीं है। जिले में 1, 2, 3, 4 केस आ रहे हैं, हम भी ट्रेसिंग भी करा रहे हैं, तो ट्रेसिंग में जनरली 2-3% लोग ऐसे आ रहे हैं जो कि घर में बैठे थे या गए थे या नहीं गए, उन्होंने नहीं बताया तो उनको सर्दी खांसी का सिम्टम आ रहा है। ये मान चलिए मतलब अपने अभी जिले में कहीं ना कहीं है, तो ये अचरज से शत्रु है, तो कम से कम मास्क लगा रहेंगे। झाबुआ से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।